हेलो भाई, मैं अमन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू होंडा SP125 स्पोर्ट एडिशन। अब न्यू होंडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे एक बार देखो, SP125 स्पोर्ट एडिशन नया लॉन्च कर दिए कंपनी। पहले ये सिंपल नाम में आता था, मतलब नाम में आती थी ये SP125 के नाम से, लेकिन ये एक नया अब इसमें सीरीज एड ऑन की है कंपनी स्पोर्ट एडिशन के नाम से। क्या कुछ अपडेटेड है फिलहाल प्राइसिंग की बात कर ले तो ये भाई आप लोगों को सिंगल वेरियंट में देखने को मिल जाता है, वो है डिस्क ब्रेक के साथ। इसमें ड्रम ब्रेक्स ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसकी प्राइस आप लोगों को पड़ जाती है 90,800 के अराउंड शोरूम में, और ऑन रोड की बात करें तो 1,11,000 के अराउंड पड़ जाती है आप लोगों को शोरूम में देखने में। मतलब ऑन रोड प्राइस में अगर आप लोग शोरूम में परचेज करना चाहोगे तो 1,11,000 के बीच में ये देखने को मिल जाएगी। बाकी स्टार्ट करें भाई, क्या कुछ नया चेंजेस है। पहले एक बार फ्रंट से स्टार्ट करें तो यहाँ पे एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि पहले भी देखने को मिल जाती थी। वही साइड टर्न इंडिकेटर सेम रखी है भाई, देख सकते हो यहाँ पे पुरानी वाली खड़ी है, यहाँ का सेटअप और यहाँ का सेटअप सब कुछ सेम है भाई। लेकिन कलर एक बार आप लोग नोटिस करो, ये नया कलर है भाई, ये पहले कलर नहीं आता था। इसमें नया कलर कंपनी अब ये प्रोड्यूस कर दी है, जिसे ग्रे और ऑरेंज का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। स्टिकर का डिजाइनिंग वही सेम है, लेकिन नया स्टिकर है, देख सकते हो आप लोग, डिजाइन वही है बट कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों को स्पोर्ट एडिशन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा SP125 के जस्ट नीचे। बाकी और क्या कुछ चेंजेस है फ्रंट से, जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पे सेटअप मैंने बता दिया, यहाँ का भी सेटअप मैंने बता दिया, यहाँ पे भी कलर नया चेंजेस देखने को मिल जाएगा। टायर वही अभी भी रखी है, 80x100 सेक्शन का MRF का टायर देखने को मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर। लेकिन इस पर नोटिस करो, ये स्टिकर अब नया एड ऑन हो चुका है, पहले में वो स्टिकर नहीं आता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा नया स्टिकर इसमें एड ऑन कर दिया, जो कि टायर का ये स्टिकर है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है देखने में। यहाँ पे 240mm का अभी भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल जा रही है। कौन सी कंपनी का डिस्क ब्रेक है वो कैलिपर्स वगैरह यहाँ पे बैजिंग नाम नहीं डाली है। फ्रंट सस्पेंशन में आप लोग रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा, टेलीस्कोपिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाता है इस बाइक में। यहाँ पे समझ में आ गया होगा मैटगार्ड का क्वालिटी, अभी भी फाइबर है, लेकिन कलर देख सकते हो भाई पूरी की पूरी शाइनिंग के साथ है कलर इसमें। यहाँ पे नया आप लोगों को इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि BS6 फेज 2 वाली इंजन है, जिसे BS7 इंजन भी बोल सकते हो, जो कि आप लोगों को इथेनॉल सपोर्ट करती है, मतलब 20% इथेनॉल। 124 cc का इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 10 bhp का पावर जनरेट करता है 10 Nm टॉर्क के साथ। पावर और टॉर्क दोनों सिमिलर है इस बाइक में। माइलेज की बात करें तो 70 से 80 के बीच का माइलेज ये निकाल कर दे देती है भाई, माइलेज किंग है ये बाइक अपने सेगमेंट में। यहाँ पे होंडा 3D में देखने को मिल जाएगा, बैजिंग यहाँ पे दे रखी है। बाकी ये जो पैनल है वो छोटा सा इसमें, लेकिन 160 में ये काफ़ी बड़ा पैनल दे रखी है। इसमें छोटा सा पैनल देखने को मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है भाई। यहाँ पे डिज़ाइन भी दे रखी है कंपनी, एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, फाइव स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आती है। ये फ्रंट फुटरेस्ट, रियर फुटरेस्ट, सिंगल स्टैंड और सेंटर स्टैंड दोनों देखने को मिल जाता है। सिंगल स्टैंड में यहाँ पे कट ऑफ सेंसर भी दे रखी है कंपनी। चेंजेस की बात करें तो जैसा कि नया कलर पेंट है, नया डिजाइनिंग है, और एक वो स्टिकर नया चेंज देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट एडिशन में, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ डिस्क ब्रेक के साथ ये बाइक आती है। बाकी मीटर कंसोल सेम है भाई, वही सेम इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड होता है, जो कि SP125 में प्रोवाइड होता था। गियर शिफ्ट इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सब कुछ, टाइम वगैरह सब कुछ है भाई। एंड यहाँ पे की इंसर्ट कर सकते हो, ये सिंगल हैंडल बार देखने को मिल जाएगा, जिसमें हाई बीम लो बीम इसी में दे रखी है। साइड टर्न इंडिकेटर यहाँ पे है, सिंगल हॉर्न सेटअप है, और राइट साइड इंजन किल स्विच और इंटीग्रेटेड सेल्फ स्टार्ट भी दे रखी है। की आप यहाँ से फ्यूल डलवा सकते हो, 11.2 लीटर का इसमें फ्यूल कैपेसिटी दे रखी है। सिंगल सीट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्प्लिट सीट ऑप्शन इसमें नहीं रखी है, क्योंकि ये बाइक मेनली फैमिली पर्पज़ के लिए बनाई है कंपनी, इसलिए सिंगल सीट देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, SP125 स्पोर्ट एडिशन लिखा हुआ, यहाँ पे स्टिकर पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लेडीज़ फुट रेस्ट और साड़ी गार्ड दोनों देखने को मिल जाएगा, पूरी की पूरी कवलिंग चैन कवर के साथ आती है। रियर में आप लोगों को 100x80 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है, ट्यूबलेस टायर है, जिसकी एलॉयज़ की डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे एग्जॉस्ट का लुक कुछ ऐसा है, सिमिलर है जैसा कि पहले आता था, लेकिन ये मफलर पे नोटिस करना, ये अब आप लोगों को ब्लैक के साथ देखने को मिल जाएगा। मतलब जैसा कि बॉडी कलर है वही सेम कलर यहाँ पे मफलर में देखने को मिल जाएगा। पहले मैं आप लोगों को शाइनिंग के साथ आता था वहाँ देख सकते हो, लेकिन अब पूरी की पूरी ब्लैक, मैट ब्लैक में कर दी है कंपनी, तो ये एक दूसरा चेंजेस हो गया। बाकी यहाँ पे भी रियर में भी ये स्टिकर देखने को मिल जाएगा, रियर में भी ट्यूबलेस टायर जैसा कि मैंने बताया, 130mm का रियर ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाता है। बाकी स्विंग आर्म आप लोग देख सकते हो। रियर में आप लोगों को यहाँ पे हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, जो कि फ्रंट में है, लेकिन इसमें थोड़ा स्प्रिंग टाइप भी दे रखी है। जैसा सस्पेंशन इधर है वही सेम सस्पेंशन इधर भी देखने को मिल जाएगा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। बाकी ये उसका कुछ टेल लैंप, जो कि पूरी LED के साथ है, इसमें LED देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दूर से देखना चाहोगे तो लगेगा LED है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इसमें बल्ब यूज़ की है कंपनी, यहाँ पे भी बल्ब देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेस प्लेस कर सकते हो, ये रियर रिफ्लेक्टर, उसकी लाइट, होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को
मिल जाएगा। बाकी ये कैसे लगी आप लोगों को SP125 स्पोर्ट एडिशन, नीचे कमेंट करके बताना क्या कुछ चेंजेस था वो ने बता दिया। एंड ऑल्सो थैंक्स टू विनायक होंडा, जिस शोरूम की वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाया। तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ मैं, कॉल करके एक बार अपना इंक्वायरी बुक कर लेना। ये सब बाइक वगैरह अभी अवेलेबल है और नवरात्रा का बहुत अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट चल रहा है, तो एक बार आप लोग कॉल करके यहाँ पे पता करो, अपना इंक्वायरी बुक करो, चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो एंड ये बाइक कैसे लगी एक बार नीचे कमेंट करके बताना। इस वीडियो के बाद न्यू SP और ओल्ड SP का एक कंपैरिजन भी आ जाएगा, तो उसमें भी आप लोग अपना प्यार बरसा देना। बाकी कैसे लगी ये वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी बाइक से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग कीप सेफ, बाय।